क्या माता सीता ने सचमुच किया था घोर पाप? मित्रों, रामायण की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी ही होगी, जिसमें श्री राम और सीता माता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्सक्राइब नहीं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कैसे धरती की कोख से जन्मी थी माता सीता। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करते थे। उन्हीं में से एक राजा थे शिरध्वज। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे, उसी समय वहाँ से एक छोटी कन्या निकली। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा बहुत खुश हो गए। उन्होंने इस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया, उसका नाम रखा सीता। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहाँ उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो कि बहुत ही खूबसूरत था। दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। तोता बोला, पृथ्वी पर श्री राम से विख्यात नाम के एक बड़े ही सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी का नाम होगा सीता। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है श्री राम। तोते की बातें सुनकर माता सीता ने सोचा, ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं, इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने के लिए कहा। उनकी सहेलियाँ उस पर्वत पर गई और दोनों पक्षियों को पकड़ कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत ही विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है, और जब वो अपने शिष्यों को ये पाठ कराते हैं तो हम भी पास में ही पेड़ पर बैठकर सुनते हैं। उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि श्रृंगी के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए हुए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, है सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वो किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नरतोता बोला कि श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए होंगे, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटने तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, उनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है जो जल्दी ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेंगी। फिर मादा पक्षी ने पूछा कि तुम कौन हो। पक्षियों की बातें सुनकर सीता माता ने कहा, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो मैं वही हूँ। माता सीता उन्हें कहती है कि तुम दोनों को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह नहीं करेंगे, तब तक तुम दोनों मेरे घर में आराम से रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलता, मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर ही अपने बच्चों को पैदा करूँगी, आप चाहें तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता माता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी कि नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं उसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी।
सीता जी ने मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तो वो पक्षी दुखी हो गया। तोता दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि अपनी पत्नी के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। सीता माता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया लेकिन सीता जी ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा तोता ने क्रोध में सीता जी को श्राप दिया, अरे जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत से नर पक्षी बहुत दुखी हो गया। वो भी सीता जी से बोला कि मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से उड़ जाता है। कुछ साल के बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ, उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ा था। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल यही मिलता है इसी दुनिया में। इस कहानी से ये बात सिद्ध हो जाती है कि कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, फिर चाहे वो भगवान राम हो या माता सीता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिस धोबी ने माता सीता की निंदा करके उन्हें वन भेजा था उसे भी अंत में उसका फल भोगना पड़ा था। सीता माता का निंदक धोबी न घर का रहा न घाट का। आइए अब जानते हैं कि उस धोबी का क्या हुआ जिसके कारण माता सीता को भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा। जब भगवान श्री राम अपने धाम को चले गए उस समय उनके साथ अयोध्या के सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य भी उनके साथ चल पड़े। इसमें सीता जी की निंदा करने वाला वो धोबी भी था। भगवान ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा था और उसको अपने साथ लेकर जा रहे थे। जिस जिसने भगवान को जाते देखा वो सब भगवान के साथ चल पड़े। कहते हैं कि वहाँ के पर्वत भी उनके साथ चल पड़े थे। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे पर्वत और मनुष्य साकेत धाम में प्रवेश करना चाहते थे। जब साकेत का द्वार खुला तो सभी अंदर चले गए, लेकिन जैसे ही उस धोबी ने प्रवेश करना चाहा तो द्वार बंद हो गया। साकेत द्वार ने भगवान से कहा, महाराज आप भले ही इसका हाथ पकड़ लें पर ये जगत जननी सीता माता के निंदा कर चुका है, इसका पाप इतना बड़ा है कि मैं इसे साकेत में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता। जिस समय सभी के साथ भगवान साकेत की ओर जा रहे थे उस समय सभी देवी देवता भी आकाश मार्ग से ये देख रहे थे कि आखिर माता सीता की निंदा करने वाले धोबी को भगवान कहाँ स्थान दिलाते हैं। भगवान ने द्वार बंद होते ही इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं भगवान इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में ही ना भेज दें। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, हाथ हिला हिला कर कहने लगे, प्रभु इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं मिलेगा। इंद्र ने सोचा कि प्रभु कहीं इसे मेरे इंद्रलोक ना भेज दें। उन्होंने भी प्रभु को विनती की, प्रभु इस पापी के लिए इंद्रलोक में भी कोई जगह नहीं है, आप ऐसा आदेश करके मुझे धर्म संकट में ना डालें। अब ध्रुव जी को चिंता हुई कि आखिर में प्रभु इस पापी को ध्रुव लोक में ना भेज दें। इसका इतना बड़ा पाप है कि इसके पाप के बोझ से देवलोक नीचे गिर जाएगा। ये लोक भी प्रभु ने ही दिया है इसीलिए इसकी रक्षा भी वही करेंगे। ऐसा विचार करके ध्रुव जी कहने लगे, हे प्रभु ये ध्रुव लोक आपने ही प्रदान किया है, आप इस पापी को मेरे पास मत भेजिए अन्यथा इसके द्वारा मेरा ध्रुव लोक भी पापी हो जाएगा, इस पापी के कारण हम सब संकट में आ जाएंगे। 10 लोकों के 10 दिक्पाल भी चिंता में थे जिनके अलग अलग लोक बने हुए थे। उन सभी देवताओं ने विनय पूर्वक प्रभु से गुहार लगाई कि इस दुष्ट पापी को हमारे लोक में मत भेजना। उन्होंने क्षमा याचना के साथ प्रभु को उसको भेजने के लिए मना कर दिया। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे थे पर कुछ बोले नहीं। देवताओं की भीड़ में यमराज भी खड़े थे। यमराज ने सोचा कि ये किसी लोक में जाने का अधिकारी नहीं है, अब इस पापी को भगवान कहीं मेरे यहाँ ना भेज दें। माता की निंदा करने वाले को किसी देवता ने स्थान नहीं दिया, यदि मेरे लोक में स्थान मिल गया तो देवताओं के बीच निंदा का कारण मैं भी बन जाऊंगा, इसे यमपुरी में नहीं रखा जा सकता। यमराज भी घबरा कर उतावली वाणी में बोले, महाराज स्वामी आपने जिसका हाथ थाम रखा है वो इतना बड़ा पापी है कि उसके लिए मेरी यमपुरी में भी कोई जगह नहीं है।
अब धोबी को भी घबराहट होने लगी कि मेरी दुर्बुद्धि ने मुझसे इतना निंदनीय कर्म करवा दिया कि यमराज भी मुझे नहीं रख सकते। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। प्रभु श्री राम ने धोबी की घबराहट देखकर उससे कहा, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नए साकेत का निर्माण करता हूँ। तब भगवान ने उस धोबी के लिए अलग साकेत धाम बनाया। सिए निंदक अग ओख नसाए, लोक बिसोक बनाई बसाए। ऐसा अनुभव होता है कि आज भी वह धोबी अकेला ही उस साकेत में पड़ा है जहाँ कोई भी देवी देवताओं का वास नहीं है। ना ही तो वह किसी को देख सकता है और ना ही उसको कोई देख सकता है। इस तरह धोबी न घर का रहा न घाट का। तो दोस्तों, ये तो रही माता सीता की बात। वैसे हमें भी अपनी आम जिंदगी में कभी दुर्बुद्धि के कारण कभी भी किसी मनुष्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरों की निंदा करने वाला समाज की नज़रों में तो गिरता ही है और अपने मरण उपरांत उसे देवी देवता भी स्वीकार नहीं करते। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, हम बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।